समय की धारा में भविष्य का वर्तमान की ओर और वर्तमान का भूत की ओर निरंतर प्रवाह बना हुआ है। वैसे तो अतीत को जानने और प्रदर्शित करने के लिए बहुत सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन ऐतिहासिक भवनों और राष्ट्रीय स्मारकों का अपना विशेष महत्व है। अतीत की कहानी का चित्रण करने वाले ये स्मारक केवल हमारे लिए इतिहास की वस्तु नहीं है, बल्कि समय की धारा में बहते हुए भी एक विशेष समय अंतराल की समस्त घटनाओं एवं संस्कृतियों के मूक साक्षी हैं। समय के उतार चढ़ाव का सामना करते हुए कुछ स्मारक जहां आज भी सीना ताने खड़े हैं, वहीं कुछ हार मानकर अपना अस्तित्व खो चुके हैं, जबकि कुछ जीर्ण शीर्ण अवस्था में अपनी पहचान कायम रखने के लिए संघर्षरत हैं। इन स्मारकों के क्षय एवं विनाश के कई कारण हैं, जिनमें पेड़ पौधे भी शामिल हैं। मूल रूप से कल्याणकारी प्रकृति के ये पेड़ पौधे कभी कभी इन प्राचीन इमारतों पर उग आते हैं और धीरे धीरे इन्हें खंडहरों में तब्दील कर देते हैं। पेड़ पौधों द्वारा इन इमारतों पर सामान्य से अलग एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है जो इमारती वस्तुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने देश के अनेकों मंदिरों और स्मारकों से पीपल एवं बरगद सहित 30 से अधिक वनस्पतियों का पता लगाया है। वडोदरा में किए गए एक सर्वेक्षण में अनेक पौधों की उपस्थिति दो प्रमुख इमारतों पर दर्ज की गई है। देश के अन्य भागों में स्थित स्मारकों पर भी बहुत सारे पेड़ पौधे देखे जा सकते हैं। सबसे पहले इमारतों एवं स्मारकों पर लाइकेन और मांस जैसे पायनियर पौधे उगते हैं, जो आगे चलकर फूल वाले पौधों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाते हैं। शैवाल, कवक, लाइकेन, मांस बहुत छोटे पौधे होते हैं जो चट्टानों के नम वातावरण में उगते हैं। प्राचीन भवन जिनमें पत्थर और चूने का उपयोग होता है, ब्रायोफाइटा समूह के पौधों के लिए उत्तम सतह का निर्माण करते हैं। सामान्यतः इमारतों पर शैवाल भी देखे जा सकते हैं। वर्षा काल में अधिक नमी के कारण इनकी वृद्धि होती है, जो सूखकर काली परत बन जाती है। इससे स्मारकों की सुंदरता में कमी आ जाती है। शैवालों एवं अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि से रासायनिक क्रिया द्वारा भवनों को क्षति पहुंचती है। शैवालों द्वारा मैलिक, ऑक्सैलिक, सक्सेनिक, साइट्रिक आदि बायोजेनिक अम्लों का निर्माण होता है, जो भवन के प्लास्टर एवं पत्थरों को नुकसान पहुंचाते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि शैवालों द्वारा चीलेट्स का निर्माण होता है, जो कि खनिज का विलय करता है। इस प्रकार होने वाले जैव क्षरण से स्मारकों के पत्थरों की मजबूती में कमी आती है। फूल वाले पौधों में अंजीर, महानीम, पीपल जैसे वृक्ष तथा हेडेरा, हेलिक्स जैसे बेल शामिल हैं। पीपल और बरगद दो ऐसे बहुवर्षीय पौधे हैं जो संरक्षण के लिए हमेशा मुश्किलें पैदा करते हैं। इन पौधों को दीवारों से बाहर निकालना ही इनसे बचने का उपाय है। जहां पौधा पूरी तरह से भवन से निकाला नहीं जा सकता, उनको काटकर
अलग कर देना चाहिए। सूर्य के प्रकाश की ओर वाली स्मारकों की दीवारों पर पेड़ पौधों का उगना और बढ़ना आसान होता है। यदि पेड़ स्मारकों की छत अथवा दीवारों पर उगते हैं तो बढ़ती हुई जड़ें नीचे की ओर दबाव डालती हैं, जिनसे दरारें पड़ जाती हैं। जड़ों की मोटाई बढ़ने से दरारें और भी बड़ी हो जाती हैं। जड़ों की पानी की ओर वृद्धि जलानुवर्तन या हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाती है। जलानुवर्तन पौध जगत की सबसे सशक्त हलचल है। यही कारण है कि जड़ें दीवारों को तोड़ती हुई, छत को भेदती हुई पानी की ओर वृद्धि करती हैं। ये आसपास के नालों में प्रवेश कर उन्हें भी तोड़ देती हैं। यदि पाइपलाइन में लीकेज हो तो आरंभ में पतली जड़ें उनमें प्रवेश कर जाती हैं, जो बाद में मोटाई में बढ़कर पाइपलाइन को भी तोड़ देती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पेड़ों को बढ़ने से रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं। जड़ों से अम्लीय पदार्थ बाहर निकलते हैं जो भवनों को कमजोर कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन भवनों पर पेड़ पौधे उगते कैसे हैं, यहाँ तक इनके बीज कैसे पहुँचते हैं। इन स्मारकों के छतों तक बीजों के पहुँचने का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि ये वहाँ पर दो तरीके से पहुँच सकते हैं, या तो हवा के प्रवाह द्वारा या फिर पंछियों द्वारा। हवा के प्रवाह द्वारा पहुंचने वाले बीज बहुत ही हल्के होते हैं, जैसे कि साइप्रस घास। हवा में उड़ने के लिए बीजों को पैपस एवं कोमा मददगार साबित होते हैं। एक्लिप्टा एल्बा के बाहेदल पुंज द्वारा पैपस का निर्माण होता है। बालों के एक गुच्छे सदृश संरचना को कोमा कहते हैं। ये बीजों के एक सिरे पर मौजूद होती है, जैसे कि आंख में। रसबेरी के फल एक झिल्लीनुमा आवरण से ढके हुए होते हैं, जो कि हवा के प्रवाह द्वारा फलों को दूर तक पहुंचाने में मदद करते हैं। बहुत से बीज चिड़ियों, चमगादड़, गिलहरी, चूहों तथा बंदरों द्वारा स्मारकों की छतों एवं दीवारों पर पहुंचाए जाते हैं। कुछ फल इन जानवरों द्वारा खाए जाते हैं और इनके मल द्वारा बीज स्मारकों की छत तक पहुंच जाते हैं। बहुत से एक वर्षीय पौधे सूखने से पूर्व फलों अथवा बीजों का निर्माण करते हैं, जो वहीं बिखर जाते हैं। वर्षा ऋतु आने पर पुनः ये बीज अंकुरित होकर अपना जीवन शुरू कर देते हैं। यदि बीजों का इन स्मारकों तक पहुंचना रोक दिया जाए तो इस समस्या से काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन ये एक बेहद कठिन कार्य है, क्योंकि न तो हम हवा को रोक सकते हैं और न ही पशुओं और पक्षियों को। तो आखिर उपाय क्या है? उपाय यही है कि एक समय अंतराल में इन स्मारकों एवं भवनों की सफाई करते रहें, टूट फूट की मरम्मत करते रहें, जहां भी पेड़ पौधे उगे हैं उन्हें साफ करके उन दीवारों और छतों का रंग रोगन करें। हर काल में, हर हाल में ये पुराने स्मारक हमारी राष्ट्रीय संपत्ति हैं। ये हमारी बहुमूल्य सांस्कृतिक धरोहर हैं। निश्चित रूप से इस धरोहर का संरक्षण संस्कृति के प्रति हमारे लगाव को इंगित करता है और ये प्रदर्शित करता है कि सभ्यता के पैमाने पर हमारा स्तर क्या है। तो आइए हम इस स्तर को ऊंचा बनाने के लिए इन राष्ट्रीय स्मारकों को उचित संरक्षण दें।